नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मांड गायिका। देखो, मांड गायिका से हमारा संबंध देखो क्या है, जो मांड प्रदेश था, देखो मांड प्रदेश कौन सा था, यहाँ अगर राजस्थान के परिक्षेत्र में बात करें तो मांड प्रदेश किसको जाना जाता था, जैसलमेर का ही एक नाम था। देखो, जैसलमेर के और बहुत सारे उपनाम हैं जिसमें हम मुख्य की बात करेंगे, वैसे हवेलियों का शहर, राजस्थान का अंडमार, कई नामों से नजर जाना जाता है, लेकिन मांड प्रदेश के अलावा इनको एक तो जाना जाता है वल क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद वल क्षेत्र एक कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, इसको दुंगल क्षेत्र। ये दो इसके विशेष उपनाम हैं, जो मांड प्रदेश, वल प्रदेश, दुंगल प्रदेश, ये तीनों नामों से किसको जाना जाता है, जैसलमेर को। अब बात करें मांड प्रदेश, देखो मांड प्रदेश में ये शैली विकसित हुई थी, ठीक है। ये मांड प्रदेश में शैली विकसित होने के कारण ये शैली कौन सी कहलाई, मांड गायन शैली कहलाई थी। अब देखो, इनकी कुछ विशेष कलाकार है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करें किसकी, अल्लाह जिला भाई। देखो, अल्लाह जिला भाई कहाँ से संबंधित थी, बीकानेर से। अब देखो, दूसरी जो गायिका है वो जो फेमस है वो क्या है, गौरी देवी। देखो, गौरी देवी का संबंध कई जगह बीकानेर से भी दिया जाता है, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो कहाँ थे, बीकानेर दरबार में गायक थे, मांड गायन थे। और इनका वास्तविक वैसे जन्म कहाँ हुआ था, जोधपुर में, और ये जोधपुर राजघराने में ही क्या थी, वहाँ मांड गायिकी के पद के ऊपर, राजगायिका के ऊपर पद के ऊपर सुशोभित थी। इसके बाद बात करें जैसे जोधपुर और जैसे क्या थी, जमीला बानो। एक देखो गौरी देवी, ये रही एक गौरी देवी हुई थी पाली की, ये पाली में है, इनका क्या है कर्म क्षेत्र है, जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ इस वाले क्षेत्र में, इस वाला क्षेत्र मतलब थोड़ा सा अनुमान लगा तो बीकानेर जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है उसमें इनका जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र किसे बनाया, पाली क्षेत्र को। देखो, गौरी देवी मांड गायिका के रूप में एक ये रही, एक ये रही, दो फेमस हुई थी। एक थी गौरी बाई, ठीक है, उसको हम आगे लेंगे भक्ति में। अब देखो, एक देखो मांगी बाई आ रही, ये कहाँ से संबंधित थी, देखो इनकी कर्म स्थली तो थी उदयपुर, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रतापगढ़। तो ये मुख्य मुख्य ये जो छह हैं ये राजस्थान की क्या थी, मांड गायिकाएं थी। अब देखो, इनके बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहले हम अगर बात करें अल्लाह जिला बाई की, देखो अल्लाह जिला बाई की हमने बात करी थी, ये कहाँ से संबंधित थी, बीकानेर से। इनका जन्म देखो कहाँ हुआ था, 1 जनवरी 1902 को कहाँ हुआ था, बीकानेर में हुआ था। देखो, इनके बारे में कहा जाता है कि ये 10 साल की हुई थी तभी से क्या गाने लग गई थी, गाने जो मांड शैली में गाने गाने लग गई थी, ठीक है। इनके बारे में बताते हैं कि जो महाराजा गंगा सिंह थे, देखो महाराजा गंगा सिंह से आप अच्छी तरह, जो बीकानेर के राजा थे जिन्होंने बीकानेर की स्थापना भी करी थी, इनके अलावा इनको राजस्थान का भागीरथ बताया जाता है, और एकमात्र ऐसे राजा थे जो तीनों गोल में सम्मेलन हुए थे उनमें इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अगर राजपूताने में बात करें तो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का बताया जाता है। इनकी जो मुख्य अगर खोजों की बात करें तो एक तो देखो सबसे पहले इनके राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने गंग नहर को क्या किया था, राजस्थान में लेकर आए थे। और इनकी दूसरी अगर हम खोज की बात करें तो वो यही थी, कौन, अल्लाह जिला भाई। इनके बारे में कहा जाता है कि जो 13 साल की हो गई थी ना, तब इनके ये जो इनके उस्ताद थे हुसैन बख्श लंगड़ा, देखो एक तो इनके उस्ताद थे हुसैन बख्श लंगड़ा, एक अच्छन महाराज का भी इनका नाम आता है, ये दोनों क्या थे, इनके गुरु थे जो गुणीजन खाने के थे, गुणीजन खाने के उस्ताद थे जो इनके गुरु थे। तो इन्होंने इनकी प्रतिभा को क्या किया, निखारा, और ये बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने फिर इनको क्या किया, राज गायिका के पद पर क्या किया था, प्रतिष्ठित किया था। देखो अल्लाह जिला बाई के बारे में ये कहा जाता है बीकानेर में कि अगर छोटे से छोटा प्रोग्राम हो या बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, अल्लाह जिला बाई के बगैर कोई भी प्रोग्राम वहाँ संपन्न नहीं होता था। सपोज देयर, जैसे मान लो अगर किसी का दसोटन भी हो रहा है, जैसे चूचक बोलते हैं, वो भी बिना अल्लाह जिला भाई के गानों से शुरुआत नहीं होती थी, या अगर किसी की शादी ब्याह है तो वो भी जो प्रोग्राम था वो कहाँ से शुरू होता था, जब तक ये गाना नहीं गाती थी तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होता था। देखो इन्हें, इनके कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण या फेमस हम बात करें तो ये जो कुछ गीत थे, एक तो भाई सारा बीरा, काली कलजीरी रेख, और एक झालो दियो ना जाए, ये इनके क्या थे, कुछ फेमस गीत थे। इन्हें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, पद्मश्री कब दिया गया। देखो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो थी अल्लाह जिला भाई,
इन्होंने जो केसरिया बालम आवानी पधारो हमारे देश, जो अपना राजस्थान का राज्य गीत है, इसको सर्वाधिक बार गाया था। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि जब भी ये गाना गाती थी, जो अपना राज्य गीत केसरिया बालम आवानी पधारो हमारे देश, तो ये हर बार अलग राग में गाती थी। इतनी मतलब में ये सिद्धस्त थी गायन शैली में। तो इन्हें पद्मश्री दिया गया था भारत सरकार की तरफ से 1982 में मांड गायकी शैली के अंदर। और इन्हें जो अन्य एक पुरस्कार की बात करें तो इनके संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ 1988 में। और इनके अलावा जो बात करें हम इनकी, तो ये प्रथम राजस्थानी रत्न सम्मान भी पाने वाली जो कलाकार थी वो कौन थी, यही थी। देखो प्रथम राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया था इनको 2012 में दिया गया था। देखो इनकी 1992 तो में से मृत्यु हो गई थी, इनकी निधन हो गया था। अब देखो एक आता है इनका उपनाम। देखो उपनाम इनको एक तो दिया गया था मांड को किला और एक राजस्थान की मरु को किला। देखो इसमें हर किताब इसमें क्या है अलग अलग देती है। कई गौरी देवी को बताती है राजस्थान के मरु को किला, कई अल्ला जिला बाई को बताती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आपको कौन सा टिक करना है, अल्ला जिला बाई ही टिक करना है। देखो अल्ला जिला बाई के ऊपर 2003 में क्या एक 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो ये एक कलाकार के लिए मतलब बहुत मायने रखता है कि उनके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है। देखो केसरी चंद मालू जी थे, केसरी चंद मालू से आप भली बात ही परिचित होंगे। केसरी चंद मालू कौन है, जो वीणा कंपनी, वीणा जो म्यूजिक कंपनी नहीं है, जो राजस्थानी सारे गाने मतलब एक तरह से राजस्थानी गानों को क्या पुनर्जीवन दिया था वीणा म्यूजिक कंपनी ने। इन्होंने क्या किया था, जो अपने भाई जी हैं अल्लाह जिला भाई जी, देखो भाई जी से संबंध मेरा वही है अल्लाह जिला भाई जी, इनके गीतों को क्या फिर से जुटा कर क्या एक दुनिया के सामने पेश किया था इन्होंने और वापस से इनको क्या है विश्व भर में फेमस किया था। देखो इनके बारे में बताते हैं कि जो मालू जी है उनको इनका नया कलेक्शन कहीं भी नहीं मिला, क्योंकि ये जब रेडियो के लिए गाती थी तो वो क्या आजकल की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो उनमें कुछ एकदम साफ आवाज़ नहीं थी, कुछ और नहीं थी। तो इनको कहीं से पता चला कि ये भीम सिंह जी हैं कोई, उनके पास आपको जो अल्लाह जिला भाई जी उनके सारे गानों का कलेक्शन मिल जाएगा। तो ये मालू जी हैं, ये इनके पास गए कि बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को ये चाहिए। तो इन्होंने बिल्कुल क्या कर दिया था, साफ मना कर दिया था, बोला ये मेरा पर्सनल कलेक्शन है, मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर बाद में कुछ इनके जब मृत्यु हुई उसके बाद या इन मालू जी इनके पुत्रों के पास गए, फिर ओरिजिनल कलेक्शन लाए इनका जो बिल्कुल ओरिजिनल था, फिर इनको वापस से मतलब फेमस किया अल्लाह जिला भाई को। मतलब गाने थे फेमस तो थे एक तरह से, गाने क्या पूरी दुनिया के सामने इनको क्या है जो लाए थे, जो नई पीढ़ी थी उनके सामने। ठीक है, तो ये थी अल्लाह जिला भाई। अब देखो बात करें किसकी, मांगी बाई यारे। देखो मांगी बाई यारे इनका जन्म स्थान तो कहाँ था, प्रतापगढ़, और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था, उदयपुर। देखो इनके बारे में कहा जाता है कि उदयपुर के अंदर अगर कोई भी प्रोग्राम होता था, चाहे कैसा भी प्रोग्राम हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी प्रोग्राम हो, उसमें छोटे से छोटे प्रोग्राम में भी मांगी बाई आर्य को क्या किया जाता, यहाँ आमंत्रित किया जाता था। और ये जो अपना राज्य गीत है वो क्या करती थी, ये गुनगुनाती थी, गाती थी। इनको भी क्या गया था, जो भारत सरकार है उनके द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2008 में। इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हाल ही फिलहाल जैसे 24 नवंबर अभी पिछले साल ही इनकी मृत्यु हुई थी, 24 नवंबर 2017 को। देखो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम क्या है, राजस्थान के मांड गीत। इनको इसके अलावा और कई अन्य पुरस्कार भी दिए गए थे, जैसे महाराणा कुंभा संगीत परिषद पुरस्कार, मरुद्रा संस्था कोलकाता द्वारा पुरस्कार, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजस्थान व केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कार, मतलब खूब इनको पुरस्कार मिले हुए थे। तो ये मांगी बाई यारे, इनका जन्मस्थली कहाँ हो गई, प्रतापगढ़, और कार्य क्षेत्र कहाँ हो गया, उदयपुर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट गायिका लेते हैं हम, वो कौन सी है, गौरी देवी। देखो गौरी देवी के बारे में बात करें तो गौरी देवी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, जोधपुर में हुआ था, 14 अप्रैल 1920 को। देखो सन आपको ज़्यादा खास याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ये कहाँ से संबंधित थी। देखो जन्म इनका जोधपुर हुआ था, लेकिन अब इनके माता पिता थे जो बंसीलाल पंवार और जमुना देवी, ये क्या थे, बीकानेर के शाही परिवार में गायक थे। तो एक तरह से इनका कई जगह संबंध कहाँ से दिखाया जाता है, बीकानेर से भी दिखाया जाता है। ठीक है, कई बार अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि गौरी देवी का संबंध किससे है, तो अगर बीकानेर जोधपुर दोनों आ जाए तो बड़ा कन्फ्यूजन स्थिति क्रिएट कर देती है। ठीक है,
वैसे तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला कभी देता नहीं है। अब देखो, इंडियन के माता पिता तो बीकानेर के शाही परिवार में गायक थे। अब देखो, भारत ने एक मास्को में एक फंक्शन आयोजित किया था, इंडियन फेस्टिवल। उसमें इन्होंने जो अपने जो मांड गायकी से क्या किया था, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ये 20 वर्ष की आयु में, मतलब कहते हैं कि विधवा हो गई थी, तो विधवा होने के बाद तो एक तरह से मांड गायकी में ये पूरी तरह से क्या हो गई थी, तल्लीन हो गई थी। इन्होंने मतलब जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, बूंदी आदि राजघराणों से भी क्या इनको विशेष सम्मान मिला था। इनके अलावा ये जो गौरी देवी है, वो जो अपने पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन आदि से भी क्या हुई थी, ये सम्मानित हुई थी। इनका 28 जून 1988 को ही निधन हो गया था जोधपुर में ही। और जो द्वितीय राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था 2013 में, वो किनको दिया गया था, गौरी देवी को दिया गया था। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ है 1975-76 में। अब देखो, ये जो यहाँ उपनाम की बात करें, मरुकोकिला, देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। कई किताबें हैं वो मरुकोकिला इनको बताती है, कई किताबें अल्लाह जिलाबाई को बताती है। अब देखो, इनकी मृत्यु हो गई थी 29 जून 1988 को, जोधपुर में हो गई थी। ये जोधपुर में जो महाराजा थे उम्मेद सिंह, उनके दरबार में क्या थी, ये राज दरबार में रहती, उन्हीं के दरबार में क्या करती थी, मांड गायकी के लिए विख्यात थी। इसके बाद बात आती है बन्नो बेगम। देखो, बन्नो बेगम कहाँ की थी, जयपुर राजघराने की थी, ठीक है। और इनकी जो माता थी गौरबाई, ये भी इनसे पहले क्या थी, जयपुर राजघराने में थी, गायिका थी। अगर इनकी विशेषता की बात करें तो ये क्या सलीकेदार गायकी में क्या है, विशेष ख्याति अर्जित की थी इन्होंने। और भारत का जो, या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मांड गायकों को उच्च शैली के ऊपर इन्होंने पहुँचाया था। इसके बाद इनको 2001 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी क्या मिला था, दिया गया था। इनके बाद आती है जमीला बानो की, जो हमने बात करी थी। जमीला बानो कहाँ से हैं, जोधपुर से। अब देखो, गौरी देवी, देखो एक गौरी देवी थी जो जोधपुर से संबंधित थी, और जो दूसरी गौरी देवी है वो कहाँ से संबंधित है, बाड़मेर से संबंधित है। देखो, इनका जन्म तो हुआ था बाड़मेर, लेकिन इन्होंने कर्म क्षेत्र किसको बनाया था, पाली को बनाया था। ये अपने पति मिश्रीलाल के साथ ही क्या करती है, मांड गायकी की गाय करती है। आज भी आप यूट्यूब के ऊपर, ये बहुत फेमस है, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करके देखना कि गौरी देवी से, तो वो अपने पति के साथ गाने गाते हो आपको आराम से, बहुत सारे वीडियो, बहुत वीडियो। देखो, इनकी जो शैली की खास बात क्या थी, इन्होंने अपनी गायन शैली को क्या आधुनिकता से प्रभावित नहीं होने दिया था। आज भी जो प्राचीन समय से जो शैली चली आ रही थी, जो इन्होंने जैसा सीखा था वैसा का वैसा ही जो है वो आज बोलती है, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या थी, जो कलाकार थी इसकी, मांड गायकी। अब देखो, हम बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखो, मैंने बताया था कि सबसे पहला ही प्रश्न, देखो इसमें जो सेकंड ग्रेड 2011 में राजस्थान पुलिस में भी आया हुआ था, कि मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो हमने बात करी थी, ये सम्मानित किसको किया गया था, अल्लाह जिला बाई को। दूसरा प्रश्न देखो, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया था। ये भी सेकंड ग्रेड 10 और 11 दोनों में आया था। देखो, भोपाली पता हमें नहीं, पीलू नहीं है, तो कौन सी शैली आ गई, मांड शैली। तो मांड शैली में किसने गाया था, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने गाया था। इसके बाद बात करें तीसरे प्रश्न की निम्न, अब देखो वही बात कि निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। तो देखो, अल्लाह जिला भाई हमें पता है कि संबंधित है बीकानेर से। अब देखो, गौरी देवी के बारे में बात करें तो गौरी देवी एक तरह से क्या बीकानेर से ही संबंधित थी, क्योंकि माता पिता वहीं दरबार में गायक थे। सिर्फ ये बन्नो बेगम थी, बन्नो बेगम कहाँ से थी, जयपुर से थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बन्नो बेगम। अब चौथा प्रश्न है कि मांड गायिका अल्लाह जिला भाई के गुरु कौन थे, तो शिंभू महाराज, हुसैन बख्श, लिच्छू महाराज, शिवराज जी। तो हमने पढ़ा था इनके गुरु कौन थे, हुसैन बख्श लंगड़ा, और दूसरे गुरु कौन थे, अच्छन महाराज जी। अब देखो, मरुभूमि की कोकिला, ठीक है, मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, तो मरुभूमि की कोकिला को किसे, किनको कहेंगे, अगर दोनों ऑप्शन हो तो अल्लाह जिला बाई को। छठवां प्रश्न की बात करें, जोधपुर में जन्मी जमीला बानो है, जमीला बानो क्या है, हमें पता ही है, मांड गायिका शैली में ये गाने गाती है, इसके लिए फेमस है। तो दोस्तों, ये थो क्वेश्चन कुछ ऐसे थे जो एग्जामों में आए हुए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट में आएंगे, जो
आगे फिलहाल आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा उनमें, ठीक है। जो भी मांड गायकी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।